बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। आज हम क्लासिफिकेशन सिर्फ हाइलिन कार्टिलेज की देखते हैं, और हाइलिन कार्टिलेज के साथ साथ जो हाइलिन कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको हम देखते हैं, और अरेंजमेंट ऑफ कोंड्रोसाइट्स इन हाइलिन कार्टिलेज कैसे होती है उसको भी हम देखेंगे, और जो हाइलिन कार्टिलेज की आगे स्पेसिफिक टाइप आ जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज उसको भी आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले जी, हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? याद रखिएगा, जब भी हम हाइलिन कार्टिलेज को एग्जामिन करते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, तो ये हमें वाइट ट्रांसलूसेंट ग्लासी अपीयरेंस देता है। ठीक है, ये देखें जी, व्हेन एग्जामिन दिस वैरायटी ऑफ कार्टिलेज दिस गिव्स अस वाइटी ट्रांसलूसेंट ग्लासी अपीयरेंस। किस तरह की अपीयरेंस होती है ये वाली? ये इस तरह की अपीयरेंस होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा कि हाइलिन कार्टिलेज की वाहिद जो टाइप है आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसके इर्द गिर्द पेरिकॉन्ड्रियम नहीं पाई जाती। ठीक है, ऑल हाइलिन कार्टिलेज इज कवर्ड विद पेरिकॉन्ड्रियम एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो हाइलिन कार्टिलेज है ये हमारी बॉडी में कौन कौन सी जगह पर पाया जाता है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द बॉडी। सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज जो जितने भी जितने भी न्यू फिटसेस हैं इनकी बॉडी में मतलब फुल इनकी बॉडी कंपोज्ड होती है हाइलिन कार्टिलेज। इनिशियल स्केलेटन ऑफ फिटस कंसिस्ट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अच्छा, इसके साथ साथ जो जितने भी चिल्ड्रंस हैं और यंग एडल्ट्स हैं उनका एक जो एपिफाइशियल एंड होता है और एक डायफेसिस होता है बोन का, इसके दरमियान एक आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज पाया जाता है, वो भी मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। देखिए जी, दूसरा पॉइंट, इन चिल्ड्रंस एंड यंग्स द एपिफाइशियल कार्टिलेज हेल्प्स इन ग्रोइंग बोन्स कंसिस्ट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। मेरे पास अभी कुछ मौजूद नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दूं। देखिए, ये हमारी आप समझे बोन है, ये एपिफाइशियल एंड है और ये उसका डायफेसिस है, तो इसके दरमियान ये एपिफाइशियल कार्टिलेज मौजूद होता है। एपिफाइशियल कार्टिलेज किधर होता है? एपिफाइसिस और डायफेसिस, डायफेसिस जो शाफ्ट है वो और ऊपर एपिफाइसिस होता है, इसके दरमियान एपिफाइशियल कार्टिलेज मौजूद होता है विच हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ बोन, जो ग्रोइंग में मदद करता है। कौन मदद करता है? एपिफाइशियल कार्टिलेज मदद करता है, और इट इज आल्सो मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अच्छा जी, अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, कि इसके बाद जो जितने भी हमारे देखें ये जो लैरिंग्स हैं, लैरेंजियल एरिया जो हमारा है, इसके अंदर चंद कार्टिलेज हैं विच इज आल्सो मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। देखते हैं कौन कौन से। द मेजर लेरेंजियल कार्टिलेज, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, तीन नाम है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और एरिटिनाइड कार्टिलेज। दोबारा आप मेरे साथ रिवाइज कर लें, पहला क्या है? क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ये लेरेंजियल कार्टिलेजेस हैं विच आर ऑल्सो मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इसके साथ साथ फिर लैरिंग्स से नीचे आ जाए ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के अंदर भी देखें कार्टिलेज इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई और आल्सो हाइलिन कार्टिलेज। फिर इससे नीचे आ जाए जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, और जैसे एंटीरियर जो रिब है हमारी, रिब के बिल्कुल जो एंड वाली कार्टिलेज है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये देखें, द कोस्टल कार्टिलेजेस दैट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स आर हाइलिन कार्टिलेज। अच्छा, इसके बाद जो मैंने आपको ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात की थी, आर्टिकुलर कार्टिलेज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज आगे हम पढ़ेंगे भी, इसी में मैं अभी से आपको बता देता हूँ। देखें, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ठीक है, ये दोनों बोन्स आ रही हैं,
जॉइंट बना रही है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ये दो बोन्स के दरमियान जो सरफेस होती है वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ठीक है। और यहां पर ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस, इसके पास हमारे पास थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होती है, जिसको हम आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज कह देते हैं। सिंपल वर्ड्स में कि जो हमारे पास ये आर्टिकुलेटिंग लेयर होती है दो बोन्स के दरमियान, इसके पास थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होता है, जिसको हम आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज कहते हैं। देखिएगा जी, द आर्टिकुलर कार्टिलेज विच कवर्स द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ बोन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट आर ऑल्सो हाइलिन इन नेचर। तो ये साइनोवियल जॉइंट हमारे पास बनाता है जो हर डायरेक्शन में मूव करता है। इसके बाद अच्छा एक चीज नेजल वाली है, आखिरी लास्ट पॉइंट यही हमने ऐड किया हुआ है कि द नेजल कार्टिलेजेस विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्केलेटन ऑफ नोज आर ऑल्सो हाइलिन इन नेचर। ये जो हमारी नोज नोज है, इसका जो कार्टिलेज है, दिस इज ऑल्सो हाइलिन इन नेचर। अच्छा इसके बाद अब चलते हैं जी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था कि कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो चार चीजों से बनता है, ठीक है। और हाइलिन कार्टिलेज में भी वो चार चीजें पाई जाती हैं, उसके साथ साथ और भी पाई जाती हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज। कौन कौन से थे देखें, पहला मैंने आपको बताया था कि कॉलेजन है, दूसरा मैंने बताया था एडहेसिव्स प्रोटियो ना एडहेसिव्स ग्लाइकोप्रोटीन्स है, और तीसरा मैंने आपको बताया था कि वो हाई एलुरोनेन है, और आखिरी एग्रीकेन है जो गेग्स है, ग्लाइकोसमीन ग्लाइकेन्स है। देखते हैं जी, पहला देखें कोलेजन आ गया, इसको फिर हमने उसमें डिफाइन भी किया था कि ये प्रोटीन्स हैं और किस किस में मदद करती हैं। दूसरी चीज जो इसका मेन कंपोनेंट है कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है वो एडहेसिव्स ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तीसरा अच्छा एडहेसिव्स ग्लाइकोप्रोटीन्स की दो मेन टाइप्स पाई जाती हैं, एक को हम कहते हैं कोन्ड्रोनेक्टिन और दूसरे को हम कहते हैं फाइब्रोनेक्टिन। ये आपने याद रखना है बस कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज है, उसके अंदर भी जो दूसरी चीज हमने कहा था कि एडहेसिव्स ग्लाइकोप्रोटीन्स है, उसके अंदर पहली जो पहला ग्लाइकोप्रोटीन है वो हमारे पास है कोन्ड्रोनेक्टिन, और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन है जो हमारे पास है फाइब्रोनेक्टिन। ये देखें दूसरा फाइब्रोनेक्टिन। अच्छा तीसरा मेन कंपोनेंट है एलुरोनेन आ गया, और चौथा एग्रीकेन जो कि ग्लाइकोसमीन ग्लाइकेन जो गेग्स हैं उसको भी हमने देख लिया था। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेजेस में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है। देखें एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन कार्टिलेज हाइली हाइड्रेटेड कंसिस्ट ऑफ 60 to 80% ऑफ वाटर। अच्छा याद हो आपको मैंने पिछले उसमें गेग्स में बताया था आपको, यही एग्रीकेन में, कि इसके पास एबिलिटी होती है टू बाइंड मोर वाटर टू फॉर्म जेल लाइक मैट्रिक्स विच फॉर्म्स, बताएं आप खुद रिकॉल करें, विच फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो यही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हाइलिन कार्टिलेज में, इसमें ज्यादा वाटर होता है, यही वाटर इस एग्रीकेन में गेग्स को मदद करता है, इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो ग्राउंड सब्सटेंस ये ज्यादा अच्छे से बनाएगा। देखिए द वाटर इज एब्जॉर्ब्स बाय ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेन्स एग्रीकेन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस इन कार्टिलेज। और हाँ ये जो रेजिलियंस नेचर मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि रेजिलियंस नेचर किसे कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ रिकवरी फ्रॉम डेंजर कंडीशन। डेंजर कंडीशन किसे कहते हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई डिजीज हो सकता है, उससे क्विक रिकवरी को रेजिलियंस नेचर कहते हैं। रेजिलियंस नेचर ऑल्सो कम्स विद द हेल्प ऑफ वॉटर इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अच्छा अब आगे देखते हैं, हाँ अब आगे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो तीन कैटेगरीज में हमारे पास डिवाइड हो जाता है,
अपॉन स्टैनिंग डिफरेंट ग्रुप्स इज फाउंड इन हाइलिन कार्टिलेज। जब हम इसकी स्टैनिंग करते हैं हाइलिन कार्टिलेज की, तो हमें तीन डिफरेंट ग्रुप्स नजर आते हैं। पहला है पेरी सेल्यूलर मैट्रिक्स, दूसरा टेरिटोरियल मैट्रिक्स और तीसरा है इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। पहला देखते हैं पेरी सेल्यूलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, इस पेरी सेल्यूलर मैट्रिक्स को हम कैप्सुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैप्सुलर मैट्रिक्स। और ये कहाँ पाया जाता है? इट लाइज आउटर टू द मैट्रिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ कोंड्रोसाइट्स। ये चीजें आपने याद रखनी है। इसको हम कैप्सुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं और इट लाइज आउटर टू द मैट्रिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ कोंड्रोसाइट्स। और इसके साथ साथ इसमें और क्या था कि ये बेसोफिलिक वाली बात थी। इट इज बेसोफिलिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेजन टाइप टू फिब्रिल्स एंड सल्फेटेड ग्लाइकेन्स, दैट इज एग्रीकेन। ये बात आपने याद रखनी है कि इसका जो स्टेन है वो बेसोफिलिक है। ये बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करता है। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेजन टाइप टू फिब्रिल्स एंड सल्फेटेड ग्लाइकेन्स। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, दूसरे उस पे जाते हैं। इसकी जो दूसरी टाइप है इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, जो स्टेनिंग टेक्निक करने के बाद हमें नजर आई, वो है टेरिटोरियल मैट्रिक्स। ये टेरिटोरियल मैट्रिक्स क्या करती है? ये पहले पेरी सेलुलर मैट्रिक्स को सराउंड कर लेती है। इट सराउंड द पेरी सेलुलर मैट्रिक्स और इसके अंदर भी यही पाए जाते हैं, कंटेन स्मॉल नंबर ऑफ कोलेजन टाइप टू एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन्स। इसमें एक चीज आपने ये नोट करनी है कि इसके अंदर जो कोलेजन टाइप टू है वो स्मॉल नंबर में पाए जाते हैं और सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं इसमें लार्ज क्वांटिटीज में पाए जाते हैं, ऊपर इतनी लार्ज क्वांटिटीज में नहीं थे। और इसकी स्टेन्स भी बेसोफिलिक होती है बट लेस इंटेंसिव देन पेरिसेलुलर। लेस इंटेंसिव क्यों होती है? क्यों? इसके अंदर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन्स आ जाती हैं। इस लार्ज क्वांटिटी की वजह से इसका जो स्टेन है वो बेसिक डाई को लेस एब्जॉर्ब करता है इज कंपेयर टू पेरिसेलुलर मैट्रिक्स। तीसरी पे जाते हैं जी, इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। और इसके अंदर भी एबंडेंट ऑफ कोलेजन टाइप टू पाए जाते हैं। इट कंटेन्स एबंडेंट कोलेजन टाइप टू फिब्रिल्स एंड ऑल्सो कोलेजन टाइप 11। एक चीज इसमें ऐड हो गई, ठीक है। इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन्स। ऊपर देखिएगा जी क्या था दूसरे में, कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन्स, यहाँ लेस क्वांटिटीज ऑफ सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन्स। और ये बेसोफिलिक सबसे लेस होती है। देयरफॉर इट कंटेन्स लेस स्टेन्स ऑफ बेसोफिलिक। ये स्टेन से आपने घबराना नहीं है। स्टेन्स ऑफ बेसोफिलिक का ये मतलब है कि ये वाला एरिया हाइलिन कार्टिलेज का बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये जो हम लिखा है इट इज बेसोफिलिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये बेसोफिलिक है। बेसोफिलिक का क्या मतलब है? बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करता है। ये भी बेसिक को करता है लेकिन ये वो नीचे वाला लेस करता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फेटेड। और आखिरी वाला भी लेस करता है बेसोफिलिक, स्टेन्स को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, आगे जाते हैं जी। अब अरेंजमेंट ऑफ कोंड्रोसाइट्स इन हाइलिन कार्टिलेज। जो कोंड्रोसाइट्स है मैंने आपको बताया था, दीज आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। तो अब अरेंजमेंट देखते हैं कि कोंड्रोसाइट्स का किस तरह अरेंज होते हैं। सेंट्रल लीजन पर अरेंज होते हैं, नियर द पेरिफ्री अरेंज होते हैं, पेरिफ्री पे अरेंज होते हैं, तो देखते हैं। अच्छा, सेंट्रल रीजन में द कोंड्रोसाइट्स आर अरेंज्ड इन मतलब आइसोजिनस जिनोस ग्रुप्स ऑफ टू टू फोर सेल्स। इन सेंट्रल रीजन द कोंड्रोसाइट्स आर अरेंज इन आइसोजिनस ग्रुप्स ऑफ टू टू फोर सेल्स। इसके बाद जो पेरिफ्री है, नियर द पेरिफ्री, पेरिफ्री एंड को कहते हैं, तो एंड से थोड़ा सा पहले, नियर द पेरिफेरी द कोंड्रोसाइट्स आर अरेंज्ड एज इलिप्टिकल शेप्ड एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगली। ऊपर देखें, जो सेंट्रल रीजन हमने देखा था वहां पर ये अरेंज था आइसोजिनोस ग्रुप में टू टू फोर सेल्स में,
लेकिन यहाँ पर जो नियर द पेरिफ्री है ये सिंगली प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोंड्रोसाइट्स सिंगली प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज में, कहाँ, पेरिफ्री में, नियर द पेरिफ्री। अच्छा, इसके बाद जाते हैं सब इन सब पेरी कॉन्ड्रियल रीजन, दीज आर अरेंज्ड एज नेरो इलॉन्गेटेड सेल्स विद देयर लॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कार्टिलेज। इसके बाद चलते हैं द सेल्स ऑफ आइसोजिनोस ग्रुप आर स्फेरिकल और ओवॉइड इन शेप। अब ये जो आइसोजिनोस जो ग्रुप सेल्स हैं ये किस तरह के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ओवॉइड इन शेप। और जो जितने भी आइसोजिनोस ये जो आइसोजिनोस ग्रुप के सेल्स हैं इसके अंदर सिंगल लैक्यूनी पाया जाता है। ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ आइसोजिनोस ग्रुप्स ऑक्युपाय सिंगल लैक्यूनी। लैक्यूनी क्या होता है, मैंने पिछले उसमें भी बताया था, जहां कोंड्रोसाइट्स हमारे पास प्रेजेंट हो। अच्छा, अब मेन चीज अभी आएगी कि व्हाट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। पहले भी मैंने आपको बताया दो बोन्स हैं, उसके अंदर हमारे पास ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है जो दो बोन्स के दरमियान फिर एक ज्वाइंट बनाती है, इस सरफेस को कहते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। और ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस इसके पास होता है हाइलिन कार्टिलेज, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, डेफिनेशन भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स, इस पे क्लियर हो गया ना कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होती है, दो बोन्स उसके दरमियान जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस, आर्टिकुलेटिंग कहते हैं मूवमेंट को यार, कि ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है, दो बोन्स हैं उसके दरमियान जो मिलती है ज्वाइंट्स बनता है तो मूवमेंट होती है, इस सरफेस को कहते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट की फॉर्मेशन की करते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज विच इज कॉल्ड आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। और इसकी थिकनेस कितनी होती है, कि द थिकनेस ऑफ पर्टिकुलर कार्टिलेज वेरीज फ्रॉम 2 to 4 millimeter, और इसको चार जोन्स में डिवाइड करते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज डिवाइडेड इनटू फोर जोन्स को भी हम आगे देखते हैं। ये देखें जी, ये एक बोन, दूसरी बोन, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, इस आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है, तो हाइलिन कार्टिलेज की मौजूदगी की वजह से हम इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। अब आगे देखते हैं वो जो फोर जोन्स हैं हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज के, वो कौन से हैं। सबसे पहला जोन है सुपरफिशियल जोन। अब ये सुपरफिशियल जोन क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल जोन, इसको हम टेंजेंशियल जोन भी कहते हैं। 20 to 40% ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ सुपरफिशियल जोन, ठीक है। थिकनेस कितनी होती है, मैक्स अप थिकनेस आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है उसकी थिकनेस में 20 to 40% रोल सुपरफिशियल जोन का होता है। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इट कंटेन्स टाइप 2 कोलेजन फाइबर, ड्यू टू दिस प्रोटियोग्लाइकेंस इन दिस जोन इज रिलेटिवली लो। ये बात याद रखनी है आपने कि सुपरफिशियल जोन में जो टाइप 2 कोलेजन फाइबर पाया जाता है इसकी वजह से प्रोटियोग्लाइकेन्स की कंसंट्रेशन लो होती है। और इस जो इस जोन के अंदर प्रेशर रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, कि कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा हो, प्रेशर हो, तो ये हेल्प करें। दिस लेयर हैव प्रेशर रेजिस्टेंट लेयर प्रोटेक्ट्स अदर्स फ्रॉम डैमेज। सुपरफिशियल है, टॉप वाली है, प्रेशर रेजिस्टेंट लेयर है ये, कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा होता है, कोई भी डैमेज होता है तो बाकी लेयर्स को ये बचाता है। सेकंड पे चलते हैं जो मिडल जोन है, और मिडल जोन इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल जोन। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले को हम टेंजेंशियल जोन कहते हैं सुपरफिशियल को, और मिडल जोन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल जोन। और ये कितना बनाता है, ऊपर 20 to 40% था, नीचे 40 to 60% ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। और इस जोन के अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। दिस जोन कंटेन्स स्फेरिकल कॉन्ड्रोसाइट्स रैंडमली अरेंज्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स।
और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके अंदर एग्रीकेन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेन एग्रीकेन एंड थिकर फाइबर ऑफ कोलेजन टाइप टू। अच्छा, तीसरे जोन पे जाते हैं जो है डीप जोन। ये 30% ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज को बनाता है। पहला 20-40 था, दूसरा 40-60, और तीसरा ओनली 30% ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज को बनाता है। इसके अंदर स्फेरिकल कोंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, बट आर अरेंज्ड इन शॉर्ट कॉलम्स। देखिएगा जी, इस डीप में और मिडल में क्या फर्क है? देखिए, इस मिडल में जो कोंड्रोसाइट्स थे वो भी स्फेरिकल थे, इसमें भी स्फेरिकल है, लेकिन यहाँ रैंडमली अरेंज्ड है। जो मिडल जोन है, जो ट्रांजिशनल जोन है, उसके अंदर कोंड्रोसाइट्स रैंडमली अरेंज्ड है, लेकिन जो डीप जोन है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, उसके अंदर कोंड्रोसाइट्स आर अरेंज्ड इन शॉर्ट कॉलम्स। आगे जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ दिस जोन कंटेन्स एग्रीकेन एंड थिक फाइबर्स ऑफ कोलेजन टाइप टू। ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट दोनों सेम है। और जो डीप जोन है, इसके अंदर भी हमारे पास ग्रेट रेजिस्टेंट ये शो करता है अगेंस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाइड टू आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। ठीक है, आखिरी जोन इसका देखते हैं जो कैल्सिफाइड होता है, जोन ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ये बनाता है 10-20% ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इट कंसिस्ट ऑफ कैल्सिफाइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इट कंसिस्ट ऑफ कैल्सिफाइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच इज इन विच एम्बेडेड स्मॉल स्फेरिकल कोंड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। इट सर्व्स टू बाइंड आर्टिकुलर कार्टिलेज टू द बोन टिश्यू बाय एंकरिंग कोलेजन फाइबर्स ऑफ डीप जोन ऑफ कार्टिलेज टू सब कॉन्ड्रल बोन। ये हेल्प करता है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसको बाइंड करता है टू द बोन टिश्यू। बोन टिश्यू के साथ आर्टिकुलर कार्टिलेज को बाइंड करता है बाय एंकरिंग द कोलेजन फाइबर्स ऑफ डीप जोन ऑफ कार्टिलेज टू सब कॉन्ड्रल बोन। ठीक है, अब आगे यही आर्टिकुलर कार्टिलेज देखते हैं। ये देखें जी, ये इसका पहला जोन आ गया। अपनी पिक्चर थोड़ी सी ऊपर कर दूं। जो पहला जोन था हमारे पास टेंजेंशियल जोन, या उसको हमने सुपरफिशियल जोन कहा था। दूसरा देखें जी, ये ट्रांजिशनल जोन है जिसको हमने मिडल जोन कहा था। और तीसरा डीप जोन, डीप जोन का दूसरा नाम आप याद रख लेंगे रेडियल जोन था। और आखिरी था हमारे पास जोन ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज, तो ये जोन ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। तो आज के लिए इतना ही काफी। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में